हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वुमेन वर्सेस आयरलैंड वुमेन मैच विनर के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट आपको बताने से पहले गाइज, आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और द बैटिंग प्रिंसेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। जरूर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अभी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सपोर्ट चाहिए हो तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपन बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट के लिए। पिच रिपोर्ट क्या रहेगी? अगर यहाँ पर जो भी टीम फर्स्ट वेटिंग पे आती है उसका 0% तक यहाँ पर विन होने की संभावना रहेगी, यानी जो फर्स्ट वेटिंग पर टीम आएगी उसकी सबसे लो टीम रहेगी। आगे जो सेकेंड वेट पर टीम आएगी उसका 100% यहाँ पर विन होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जो सेकंड बेट पर टीम आएगी उसका यहाँ पर पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर पैच और स्पिन के लिए बात कर लेते हैं, यानी जो भी टीम यहाँ पर तेज़ बॉल फेंकती है उसके 56% तक इसके 52 विकेट लेने की यहाँ पर संभावना बनेगी। जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके 41 विकेट यहाँ पर लेने की संभावना बनेगी गाइस, 44% तक इसके 41 विकेट लेने की संभावना बनेगी। आगे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कंपेरिजन के लिए। यहाँ पर तो स्कॉटलैंड के लास्ट के दस मैचों में से इसने यहाँ पर 50% मैचों को विन किया है। एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो एवरेज स्कोर 86 इसका एवरेज स्कोर रहा है, हाई स्कोर 133 इसका हाई स्कोर रहा है स्कॉटलैंड वुमेन का। आगे आयरलैंड वुमेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लास्ट के दस मैचों में से इसने 50% मैचों को विन किया है, यानी देखा जाए तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का दोनों का पलड़ा एक जैसा ही रहा है। टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग इसके परसेंट, यानी दोनों ने 5-5 मैचों को विन किया है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसका टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो इसका 97 इसका एवरेज स्कोर रहा है। हाई स्कोर की बात करते तो यहाँ पर 143 इसका हाई स्कोर रहा है टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड के लिए बात कर लेते हैं, तो स्कॉटलैंड के यहाँ पर लास्ट के दस मैचों में से इसने 2 मैचों को यहाँ पर विन किया है और आयरलैंड के भी यहाँ पर 10 मैचों में से इसने 5 मैचों को विन किया है। हेड टू हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयरलैंड ने ज़्यादा मैचों को विन किया है, बैक टू बैक आयरलैंड के मैच विन हुए हैं गाइस। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर टीम फॉर्म के लिए, तो स्कॉटलैंड के यहाँ पर 5 मैच थे, लास्ट के 5 मैचों में से इसके 2 मैच लूज गए हैं, 3 मैच इसके विन हुए हैं। आयरलैंड की बात करेंगे तो इसके 2 मैच विन हुए हैं, 3 मैच लूज गए हैं। टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कॉटलैंड का पलड़ा ज़्यादा भरी रहा है। आगे जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी टीम रहेगी आयरलैंड वुमेन। आपको भी आइलैंड वुमेन के साथ ही बने रहना है, अपनी फॉलो टीम आइलैंड वुमेन ही रहेगी। बाकी के अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप टॉस प्रेडिक्शन अपनी फाइनल अपडेट वहीं पर देती हूँ गाइस। ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सपोर्ट चाहिए हो तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अभी फिलहाल बने रहूँ यहाँ पर आयरलैंड वुमेन के साथ ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आयरलैंड वुमेन को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।